क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत और करम से। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर न्यू एंट्री के बारे में बताएं, न्यू एंट्री कब आएगी, ये मैसेजेस वगैरह हर दूसरे तीसरे दिन मुझे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे थे। तो आज उनके लिए गुड न्यूज़ है, मैं इसी सिलसिले में आज वीडियो बनाया हूँ और वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए करें। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, न्यू एंट्री 2022 की आ चुकी है। 6th क्लास हमारे पास पहुँच चुकी है और माशाल्लाह हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। पेरेंट्स बड़े खुश थे, बच्चे भी बड़े खुश थे और एक्साइटमेंट थी कि ज्वाइनिंग देनी है, आके पढ़ना है। तो माशाल्लाह बच्चे अब हमारे पास आ चुके हैं। 15 अगस्त को बच्चों की हमने ज्वाइनिंग करवाई, आज 5-6 दिन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये सारी चीज़ें शेयर की जाएं। तो माशाल्लाह अब जब न्यू एंट्री आ चुकी है, अब आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सब के आपको आंसर मिल चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब नेक्स्ट न्यू एंट्री के लिए भी इसी तरह आप लोगों ने रेडी रहना है। और इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में न्यू एंट्री के लिए एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और आपको मैं एडवांस बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई कज़न भाई, सिस्टर का बेटा जो मुस्तहिक है, गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता और अच्छे माहौल में पढ़ना चाहता है, तो 5 क्लास के पेपर दिए हुए हैं, 10 से 12 साल एज है उसकी, तो वो एलिजिबल है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए 5 क्लास का सिलेबस अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें से पेपर बनता है। पेपर में कम से कम 50+ में मार्क्स होंगे तब आप ये उम्मीद कर सकते हैं आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए। अदरवाइज़ अगर पेपर में पास नहीं होगा तो आगे आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो न्यू एंट्री जो आ चुकी है, अब न्यू एंट्री के लिए मेरा एक मैसेज है, जो न्यू बच्चे हैं उनको अब थोड़ी सी रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो 6th क्लास में बच्चा आता है उसको बोर्डिंग इदारे का इतना अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ की रूटीन थोड़ी सख्त होती है। सख्त से मुराद ये होती है कि सुबह टाइम पे उठना है और टाइम पे नाश्ता करना है, टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, टाइम पे पढ़ना है, टाइम पे स्पोर्ट्स में जाना है, टाइम पे प्रेप करनी है और टाइम पे बेड पर रात को सो जाना है। तो स्टार्ट में बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये आप लोगों का फ्यूचर है। अगर आप यहाँ 7 साल अगर बच्चे अच्छे तरीके से गुजार के चले जाते हैं तो वो यहाँ से बहुत कुछ हासिल करके जाएंगे। और इस चीज़ का सबूत हमारे पास ये है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह हर साल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मेरी तरफ़ से उन तमाम पेरेंट्स को मुबारकबाद जिनके बच्चों की सिलेक्शन हो गई है। और माशाल्लाह मेरे अपने सिटी जो कैरोड़ पक्का है और उसमें से भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, सर प्लीज़ मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दें, मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दें। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हम में से कोई भी किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यहां पे 100% मेरिट पे बात होती है, मेरिट पर सिलेक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं सारे के सारे डिज़र्विंग होते हैं, नीडी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है पढ़ाई की। तो हम लोग किसी की सिफारिश नहीं कर सकते, हम लोग आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि बच्चे ने कैसे यहाँ एंटर होना है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से जब भी दानिश के अंदर कोई भी एडमिशन्स आते हैं या टीचर्स के लिए जॉब्स आती हैं तो मैं फ़ौरन इस मामले में आपको मैं बता देता हूँ। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं, टीचर हजरात हैं जो दानिश में पढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो भी थोड़ा सा अपडेट रहा करें, दानिश के जितने भी स्कूल्स हैं उनकी वेबसाइट्स को चेक करते रहा करें और इनके जो फेसबुक पेजेस हैं उनको भी चेक करते रहा करें कि जो न्यू एडमिशन्स हैं, न्यू जॉब्स हैं अगर आ जाती हैं तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपको बताता रहता हूं
कौन सी जो एडवर्टाइजमेंट है अब न्यू आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो न्यू एंट्री आई है वो दिल लगा के पढ़ेगी और यहाँ पे आकर मेहनत करेगी, किसी की बातों में नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आके थोड़े से रास्ते से भटक जाते हैं, दूसरे बच्चों की बातों में आ जाते हैं। वो बच्चे कहते हैं जी आप कहाँ आके फंस गए हो, ये तो बहुत बड़ा सख्त इदारा है, तो आप यहाँ से चले जाओ। तो मैं आपको सिर्फ़ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स को मैं ये और स्टूडेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे इस तरह की चीज़ें कन्वे करते हैं आगे, तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछिएगा कि अगर ये स्कूल इतना ही सख्त है तो आप फिर यहाँ पे क्यों रह कर पढ़ रहे हैं, तो आप भी स्कूल छोड़ जाएं। तो ये चीज़ें आपने बेटा ख्याल रखनी है, किसी की बातों पर नहीं आना, स्टडी पे फोकस करना है। 1 साल यहाँ आप गुजारें, 1 साल के बाद यहाँ आपको पता लगेगा कि यहाँ आपने आकर कितनी बड़ी आपको आपको अल्लाह ताला ने एक एहसान किया है आपके ऊपर कि आपको जन्नत में आ गए हैं। आपको हर वो माहौल मिल रहा है जिसकी हर बच्चे ख्वाहिश करते हैं। चांस आपको मिलता है तो प्लीज़ इसको ज़ाया ना किया करें और यहाँ के पढ़ा करें। यही बच्चे जब फीस पे करके पढ़ेंगे तब उनको एहसास होता है। मुफ्त की चीज़ अगर आपको मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसकी कदर करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।